नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों यहाँ पे जाने हैं कि DLED के स्टडी सेंटर को लेके जो है क्या अपडेट है आज का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो हर एक स्टेट में जो है स्टडी सेंटर में बदलाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो बदलाव किया गया, और यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि किसके द्वारा यहाँ पे गड़बड़ी किया जा रहा है स्टडी सेंटर में, जो कि यहाँ बदलाव जो इतना धीरे धीरे हो रहा है, या फिर जो भी बाद में जो बदलाव हो रहा है तो उसमें जो स्टडी सेंटर और दूर दे दिया जा रहा है। दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो न्यूज़ है ये भास्कर.com से लिया गया है। ये न्यूज़ जो है मध्य प्रदेश का है, जहाँ पे कि आज क्लास स्टार्ट हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से है। इसमें अगर देखें तो हेडलाइन दिया गया है, NIOS के शिक्षकों को ब्लॉक से बाहर मिले सेंटर, और फिर नीचे लिखा है ब्लॉक में सेंटर देने की शिक्षकों ने की मांग। और फिर यहाँ नीचे देखें तो डिटेल में जो लिखा गया है, निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने NIOS से डिप्लोमा करवाया जा रहा है। निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले जिले के 3000 से ज़्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रशिक्षण लेने के लिए NIOS की साइट पर आवेदन किया है। डिस्टेंस एजुकेशन की तरह प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को रविवार के दिन विशेष क्लास में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ रविवार लिखा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो रविवार और शनिवार को दोनों दिन जो है आपको वहाँ पे क्लास लगाने हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में आज 3 तारीख से क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आज सैटरडे है तो आज भी क्लास चलेगा, और कल संडे है तो कल भी वहाँ पे क्लास होगा। और फिर आगे लिखा है, इसके लिए NIOS ने रजिस्टर्ड शिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए हैं। जिले से आवेदन करने वाले अधिकांश शिक्षकों को ब्लॉक से बाहर अध्ययन केंद्र मिलने के कारण परेशान शिक्षक गुरुवार को DEO के कार्यालय पहुँचे। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक वैसे थे जिनका कि जो स्टडी सेंटर था वो जो काफ़ी दूर दे दिया गया है, तो ये लोग शिक्षक जो है गुरुवार को जो है जो भी वहाँ पे DEO कार्यालय हैं तो वहाँ जाके वो लोग मिले, और उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि उनका सेंटर जो है जो भी स्टडी सेंटर है तो वो जो है उनके ब्लॉक के अंदर दिया जाए। और फिर आगे लिखा है, शिक्षकों ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन देकर अपनी समस्या बताई। जिला शिक्षा अधिकारी ने NIOS की परीक्षा व्यवस्था देख रही डायट प्राचार्य अर्चना गौर से चर्चा की। डायट प्राचार्य अर्चना गौर ने बताया कि जिले में अधिकांश प्रशिक्षकों को ब्लॉक के बाहर अध्ययन केंद्र दिए गए। तो यहाँ पे देखिए जो भी डायट के प्राचार्य हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि अधिकांश जो शिक्षक हैं उनके जो है ब्लॉक से बाहर यहाँ पे स्टडी सेंटर दिया गया है। और आगे लिखा है, राज्य शिक्षा केंद्र को ब्लॉक में ही NIOS के परीक्षा केंद्र आवंटित करने का पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया है कि 3500 शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए जिले में 35 अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3500 शिक्षक हैं जिसके लिए कि यहाँ पे 35 अध्ययन केंद्र बनाया गया है। जैसा कि NIOS के द्वारा बोला गया था कि एक स्टडी सेंटर पे जो है 100 से ज़्यादा जो यहाँ पे टीचर जो है नहीं रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि स्टडी सेंटर को लेकर यहाँ पे जो गड़बड़ी जो हो रहा है वो जो है जिला स्तर से यहाँ पे गड़बड़ी किया जा रहा है। जो भी जिला में अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पे गड़बड़ी किया जा रहा है, क्योंकि NIOS के द्वारा जो यहाँ पे क्लियर रूप से बोला गया है कि जिनका भी स्टडी सेंटर दूर दे दिया गया तो उनका जो स्टडी सेंटर उसी ब्लॉक में किया जाए जहाँ पे कि उनका स्कूल है, जहाँ पे कि वो पहले से पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखें यहाँ पे जो भी जिला में अधिकारी जो काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा यहाँ पे गड़बड़ी किया जा रहा है, वो लोग जो है स्टडी सेंटर को काफ़ी दूर दे रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे जिले को जो है NIOS के द्वारा जो ईमेल भी आया हुआ है कि स्टडी सेंटर सभी का ब्लॉक में दिया जाए, लेकिन उनका जो काम करने का जो प्रोसेस है, जो भी जिला अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं वो जो काफ़ी यहाँ पे स्लो काम कर रहे हैं, जिनके कारण कि यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जगह जो है स्टडी सेंटर पर क्लासेस स्टार्ट हो गए। जैसे कि आज 3 तारीख है तो आज बिहार में और मध्य प्रदेश दोनों जगह जो आज यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक जो टीचर्स का स्टडी सेंटर में जो है बदलाव ज़्यादा नहीं किया गया है। कुछ कुछ जगह ही देखें जहाँ की अभी तक बदलाव हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ जो है मध्य प्रदेश से, इसमें अगर देखें तो हेडलाइन जो दिया गया है, DLED के स्टडी सेंटर केंद्रों में किया गया बदलाव, तैयारी के लिए शिक्षकों को अब 150 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं जगह जो है बदलाव जो है पूरी तरह से किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहाँ की अभी भी बदलाव वहाँ पर चल रहा है। और फिर नीचे देखें तो यहाँ पे डिटेल में जो लिखा गया है, DLED की तैयारी के लिए शिक्षकों को अब 100 से 150 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, वजह अध्ययन केंद्र में बदलाव करना है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश पर केंद्रों में बदलाव किया गया है, नए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। तो यहाँ पे देखिए जो भी नया केंद्र यहाँ पे बनाया गया है तो उसका सूची जो है जारी हो गया है। और फिर नीचे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है, निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार ने 2019 तक DLED और BEd अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कोई भी शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ा सकेगा। शिक्षकों को DEd करने में परेशानी ना हो इसके लिए सरकार शिक्षकों को DLED करा रही है। तैयारी के लिए 38 अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का अध्ययन केंद्र 90 किलोमीटर दूर अलॉट हो गया था। केंद्रों पर 2 दिन शनिवार और रविवार को स्टडी होनी थी, इससे शिक्षकों को परेशानी हो रही थी, खासकर महिला शिक्षकों को। इस पर केंद्र में बदलाव की मांग की जा रही थी।
इस पर नोडल विभाग ने इसकी जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को दी थी और केंद्र में बदलाव की गुजारिश की थी। तो यहाँ पे देखिए केंद्र में जो बदलाव का गुजारिश किया गया था, तो यहाँ पे जितने भी लगभग शिक्षक थे तो सभी का जो है केंद्र में यहाँ बदलाव हो गया है। तो सभी शिक्षक को जो स्टडी सेंटर जो उनके ब्लॉक में मिल गया है, जैसा कि यहाँ पे कुछ सारे जो टीचर्स थे उनका कमेंट आ रहा था कि उनके जो स्टडी सेंटर में यहाँ पे बदलाव कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे हर जगह जो भी जिला स्तर पर हैं अधिकारी हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टडी सेंटर के बदलाव को लेकर। तो जल्द जो है सभी का स्टडी सेंटर यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। और फिर आगे लिखा है उनके निर्देश पर बदलाव कर दिया है, अब शिक्षकों का अध्ययन केंद्र ब्लॉक में ही रहेगा, ब्लॉक में सीटें फुल होने पर पास के ब्लॉक में ही रहेगा, इससे ज़्यादा दूरी पर अध्ययन केंद्र नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके ब्लॉक में जितने भी स्टडी सेंटर बनाए गए हैं अगर उनका सीट जो है फुल हो जाता है तो जो भी आपके बगल में ब्लॉक है तो वहाँ पे आपका स्टडी सेंटर दे दिया जाएगा। और यहाँ देखा लिखा गया है डीएलएड पर नज़र, जिले में 38 अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, 3800 शिक्षकों ने डीएलएड के लिए आवेदन किया है, इन सभी को इसकी तैयारी कराई जाएगी। शनिवार और रविवार को सुबह 11:30 से शाम 5 बजे तक क्लास लगेगी, इसमें तैयारी कराई जाएगी। सभी ब्लॉक में केंद्र बनाए हैं, 25 किलोमीटर दूर से ज़्यादा केंद्र नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बोला जा रहा है कि जो भी आपका स्टडी सेंटर जो वो 25 किलोमीटर से दूर नहीं रहेगा, 25 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो जितने भी महिला टीचर थे उनका भी यहाँ पे जो काफ़ी दूर स्टडी सेंटर दे दिया गया था, तो इन सभी का यहाँ देखिए बदलाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे महिला हो चाहे पुरुष हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए जो भी टीचर्स हैं तो उनका जो 25 किलोमीटर से दूर जो अध्ययन केंद्र नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी पीसीपी जो शेड्यूल किया गया है तो वो स्टेट वाइज पीसीपी शेड्यूल किया गया है कि किस दिन जो क्या क्या क्लास चलेगा। तो स्टेट में जितने भी स्टडी सेंटर बनाए गए तो वहाँ पे जो एक ही तरह से यहाँ पे क्लास जो चल रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं तो वही सब्जेक्ट जो सभी स्टडी सेंटर पर उस स्टेट में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर स्टडी सेंटर में बदलाव होता है तो यहाँ पे स्टडी सेंटर में जब भी बदलाव होता है तो आप जो भी आपका नया स्टडी सेंटर आता है तो वहाँ पे जाके आप क्लास लगाएं वहाँ। और फिर आगे देखें तो यहाँ लिखा गया है जिला नोडल अधिकारी रामेश्वर चौहान ने बताया कि टीचर का अध्ययन केंद्र ज़्यादा दूर पर हो गया था, कई के केंद्र 90 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हो गए थे, इसकी जानकारी मिलने पर शिक्षा केंद्र को अवगत कराया गया था, उनके निर्देश के आधार पर केंद्रों में बदलाव किया गया है। और फिर नीचे लिखा है इधर डीएलएड में परीक्षा के लिए बाजना के शिक्षकों को दे दिए ताल अलॉट के सेंटर। और फिर नीचे लिखा है यहाँ बाजना जो है यहाँ पे जगह का नाम है तो वहाँ का ये रिपोर्ट है। आगे लिखा है शासन द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड परीक्षाओं के जिले में बनाए गए केंद्रों को लेकर विद्यार्थी के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए गए थे, आवेदन जमा किए जाने के दौरान परीक्षा केंद्र संबंधी कोई विकल्प नहीं दिया था, अब जब परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी हुए तो पता चला कि बाजना के परीक्षार्थियों को अलोट बढ़ावदा ताल बिरमावल और अन्य जगहों के केंद्र दिए गए हैं। परीक्षार्थी नीरज वर्मा रीना वर्मा खुशबू पवार रेखा बैरागी का कहना है कि 3 फरवरी से कक्षाएं शुरू होने जा रही, यानी कि आज के बारे में बोला जा रहा है कि 3 फरवरी से जो है वहाँ पे जो भी क्लासेस है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, माह में 15 दिन कक्षाएँ संचालित होंगी, ऐसे में बाजना से दुरुस्त केंद्र तक पहुँचना विद्यार्थियों के लिए परेशानी बढ़ने जैसा होगा, इन विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र के लिए स्थानीय सेंटर की मांग की है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जगह से जो है ये मांग किया जा रहा है कि जितने भी टीचर्स का स्टडी सेंटर दूर दे दिया गया है तो उनका जो जो भी उसका स्थानीय ब्लॉक है जो भी उन जहाँ पे उसका स्कूल है उसी ब्लॉक में उसका स्टडी सेंटर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट था मध्य प्रदेश से। और फिर आगे चलते हैं तो आगे जो ये जो रिपोर्ट आ रहा है ये बिहार से आ रहा है। तो बिहार में भी जो है आज से यानी 3 फरवरी से जो स्टडी सेंटर पर क्लासेस वहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि क्या जो न्यूज़ में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हेडलाइन दिया गया है प्रशिक्षण आयोजित, और फिर नीचे देखें तो यहाँ पर देखिए डिटेल में जो लिखा गया है। तो ये न्यूज़ जो है ये जो भोजपुर का न्यूज़ है, लिखा है NIOS के तत्वाधान में डॉक्टर नेमी चंद शास्त्री +2 कन्या उच्च विद्यालय में समन्वयकों और साधन सुविधाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी अवनिंद्र कुमार सिन्हा ने किया। डॉक्टर गणेश कुमार शांति किशोर और डॉक्टर कोमल प्रसाद बौद्ध ने समन्वयकों व साधन सेवियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाध्यापिका इंदु कुमारी और आगत अतिथियों का स्वागत NIOS के राज्य समन्वयक डॉक्टर रामनाथ शाह ने किया। मंच संचालन देवेंद्र कुमार शाह ने किया। दोस्तों ये जो भोजपुर बिहार का ये न्यूज़ था कि वहाँ पे जो स्टडी सेंटर पे क्लासेस जो स्टार्ट हो गए आज 3 तारीख से, तो उनका उद्घाटन के बारे में यहाँ पे था। और दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे देखिए आगे जो भी अपडेट आता है स्टडी सेंटर का बदलाव को लेकर तो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताया जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम बताना चाहें कि अगर आप अपने स्टडी सेंटर में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके ब्लॉक में जो भी स्टडी सेंटर जितने भी बनाए गए हैं आप पहले वहाँ पे चेक कर लें कि कितने स्टडी सेंटर आपके ब्लॉक में बनाए गए हैं, और आपके नज़दीक में जो है जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं उसे कोऑर्डिनेटर से, उनको बोल सकते हैं कि मेरा स्टडी सेंटर दूर दे दिया गया है
तो वो जो है आपका वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टडी सेंटर हैं सभी को यहाँ पे जो है अब ये पता चल गया है कि बहुत सारे टीचर्स का स्टडी सेंटर दूर दे दिया गया है, तो उसको नज़दीक करने के लिए सब जो है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, तो वो जो है आपका जरूर वहाँ पे हेल्प करेंगे। या फिर उससे आप जो है फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, अगर आप वहाँ जाके मिल नहीं सकते तो उनसे आप फ़ोन पर बात कर लें। या फिर देखिए जो भी दो तीन स्टडी सेंटर पर आप इस तरह से बात करें, अगर कोई भी आपको यहाँ पर बोलता है कि नहीं एडमिशन आपको वहाँ पर हो जाएगा, तो वहाँ जाके अपना एडमिशन को आप ले सकते हैं। दोस्तों आप अपने स्टडी सेंटर को चेक करने के लिए कि आपके ब्लॉक में कितने सारे स्टडी सेंटर बनाए गए हैं, तो आपको यहाँ पर DLED की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टडी सेंटर कॉर्नर पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस टाइप का यहाँ पे विंडो खुला हुआ आएगा और यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है क्लिक फॉर द स्टडी सेंटर डिटेल, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए और फिर यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है क्लिक टू सी द डिटेल ऑफ स्टडी सेंटर, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जो भी स्टेट से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आज देखिए यहाँ पे बिहार में क्लास स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम जो अरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अरवल के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पे देखिए सबका यहाँ पे लिस्ट आ गया है, तो यहाँ पे आप देख लें कि आपके ब्लॉक के अंदर जो है कौन से स्टडी सेंटर आते हैं, तो वहाँ के स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसका यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, उसका ईमेल एड्रेस दिया गया है, या फिर स्टडी सेंटर का जो भी एड्रेस है तो वो भी जो है यहाँ पे दिया गया है, तो आप उनसे जाके यहाँ पे मिल सकते हैं पर्सनली, या फिर जो है आप उनको कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर जो है काफ़ी दूर दे दिया गया है, सो हम जो है पास के स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए वहाँ पे जो अब वो आपको वहाँ पे रिस्पांस देंगे, क्योंकि ये बातें जो सबको यहाँ पे पता चल गया है और NIS के द्वारा भी ये बोला गया है कि स्टडी सेंटर में जो जितने भी टीचर का स्टडी सेंटर काफ़ी दूर दे दिया गया है तो उनका यहाँ पे बदलाव किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखें तो जिला स्तर पर यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है, लेकिन जो उसका काम जो वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप भी यहाँ पे इस तरह से अपने स्टडी सेंटर को बदलाव कर सकते हैं जो भी आपके ब्लॉक के अंदर जो भी स्टडी सेंटर उनके कोऑर्डिनेटर से बात करके। दोस्तों ये था आज का बड़ा अपडेट जो स्टडी सेंटर को लेके, और दोस्तों आगे को भी अपडेट आता है NIS से DLED को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप पर जोर से शेयर भी करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।